नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। दिग्विजय बोले, राजनीति से भाग नहीं रहे हैं राहुल। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया कि राहुल गांधी राजनीति से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल मजबूत हैं और लौटकर पार्टी की अगुवाई करेंगे। सिंह ने एक समाचार चैनल से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी के भागने का सवाल नहीं है, मैं इसे पूरी तरह खारिज करता हूं। वो मजबूत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बचकर नहीं निकलेंगे। वह न केवल एक सांसद के तौर पर बल्कि कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भूमिका भी संभालेंगे। सिंह ने कहा कि अगर राहुल छोड़ना ही चाहते तो वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार विमर्श क्यों करते। आसाराम के अनुयायियों को भारी पड़ा हंगामा। स्वयंभू संत आसाराम के दो अनुयायियों को अदालत के प्रवेश द्वार पर हंगामा करने और एक महिला कांस्टेबल को पीटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वालों में एक महिला और एक युवक है। पुलिस के अनुसार दोनों ने उन्हें रोकने का प्रयास कर रही महिला कांस्टेबल की बात अनसुनी कर दी और बाद में युवक ने कांस्टेबल को पीट दिया। महिला की पहचान महाराष्ट्र की कल्पना और युवक की पहचान उत्तर प्रदेश से संबद्ध प्रशांत के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों को शांति भंग करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब नगर निकाय चुनाव में अकाली दल और भाजपा का जलवा। पंजाब में नगर निकाय चुनावों में अकाली दल भाजपा ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की है। अब तक घोषित परिणामों में गठबंधन को 2037 वार्डों में से 1161 पर जीत मिली है। इन चुनावों में मजबूत होने की कोशिश कर रही कांग्रेस को 253 वार्डों से ही संतोष करना पड़ा। 624 वार्डों पर निर्दलियों का कब्जा रहा। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इसे राज्य सरकार की जनहितेशी और विकासोन्मुखी नीतियों के प्रति जनादेश बताया।